मांगे पूरी करो, टर्मिनेशन नहीं चलेगा, टर्मिनेशन harassment stop, stop all the harassments, stop rights violation, we want justice, we want justice, we want justice, zulm ke aage zulm ke aage itna padega, zulm o jabr nahi chalega, zulm o jabr nahi chalega, we want टर्मिनेशन करो जुल्म और जबर आपके आगे इंसान, वी वांट नहीं चलेगा। आपका नाम आप जी? मेरा नाम है आसिया और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम पांपोर से ही है। हमारा जो स्कूल है मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उस पे उसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट है कि वो हमारी जो सैलरी है अभी तक रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो मतलब फीमेल 9th 10th की लगभग मुझे लग रहा है 9 मंथ सैलरी अभी पेंडिंग है और हमें वो नहीं दी गई। हमें ये कहा गया कि मतलब पैसा नहीं है, वो नहीं, फ़ी नहीं आया, लेकिन यहाँ तक हमें पता है कि बच्चों ने ऑलमोस्ट 80-90% फ़ी जो है वो स्कूल को मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद हमें कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। और हमें ये भी कहा गया कि आपने जो कंप्लीट की है उसके खिलाफ उसके बरक्स आप अपोलोजाइज करें, लेकिन हम अपोलोजाइज करने के मतलब हक में नहीं थे। हमने अपोलोजाइज नहीं किया। ऑलमोस्ट सब फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ हमारे साथ था, लेकिन उनको हैरेस किया गया, उन्होंने अपोलोजाइज दिया। उसमें खाली फीमेल स्टाफ में हम दो जिन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है। ऑलमोस्ट स्कूल हमें कह रहा है कि हमें 217 टीचर्स है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है नॉन टीचिंग प्लस टीचिंग वहां पे 180 है, लेकिन स्कूल बोल रहा है कि हमें 217 है। अब हमें खाली हम 24 है जिनको ये बोल रहे हैं कि हमें डाउन साइज स्टाफ करना है, उसमें खाली हम 24 है। अगर 24 अगर इनको डाउन साइज स्टाफ करना है, ये उनको निकाले जो अभी नए नए जिनका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है या जो नए नए स्कूल में जो इनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हमें 15 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए, लेकिन why only among these 24? अगर इनको डाउन साइज स्टॉप करना है तो 180 में से करें, हमें से ही क्यों ये टर्मिनेट किया गया? असल में अथॉरिटी है, उन्होंने 90s से स्कूल पे कब्जा किया हुआ है। वो समझते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में वो पब्लिक स्कूल है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक अपना एम्प्लॉयमेंट हाउस बनाया है, स्कूल का एक एम्प्लॉयमेंट हाउस है जहाँ पे जो इनकी नई नई कजन्स वगैरह, जो इनकी मतलब इन लॉज वगैरह जो इनके कनेक्ट हो जाते हैं, नए रिश्ते इनके आ जाते हैं, वो स्कूल में दाखिल करने पड़ते हैं इनको। हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस बिना पे उनको, ना तो उनको एग्जाम्स हो रहे हैं, ना तो उनके कुछ हो रहे हैं, और उनको स्कूल में लाया जा रहा है। लेकिन अगर इनको निकालने हैं उनमें से निकालें, हम 24 में से क्यों निकाल रहे हैं? उनके पास अभी हमारा मतलब सीओ ने उनको रिपोर्ट भी फॉरवर्ड कर दिया है, उनके पास भी अभी केस चल रहा है। सीओ ऑफिस में भी हमारा केस गया था, इनको वहाँ पे बोला गया था कि आप बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें, लेकिन ये फेल हो गए। और उन्होंने एक लेटर भेजी वहाँ पे, बोला उसमें उन्होंने बोला कि हमें 1 महीना दीजिए, हमें रिकॉर्ड कम्प्लीट नहीं हो गए तो हमें 1 महीना चाहिए। तो जब उनको हमारा जो ये है ना अकाउंट सेक्शन, वो कभी साल में कभी बंद नहीं होता है, वो पूरे साल काम करता है, रिपोर्ट्स क्यों अभी बंद ये बने नहीं है? तो शायद मुझे लगता है कि इनको चोरी करनी है, इस वजह से इनको फेक रिकॉर्ड बनाने के लिए टाइम चाहिए। हम तो पब्लिक से भी, पंपोर का पब्लिक जो है उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो फॉरवर्ड आए, वो सामने आए और वो देखे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई इस पे हक जमा रहा है।
रहा है, तो वो देखे कि ये किसी ऐसे के हाथ में ना लगे जिसको वो गलत फायदा उठाए। सेकंड कि जो सीईओ है, डायरेक्टरेट ऑफ डीसी है, एडीसी है या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर है, तो हम उनसे गुजारिश है कि दे लुक इनटू द मैटर सो दैट वी विल गेट द जस्टिस। हम मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पामपुर में काम कर रहे हैं, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रस्ट है। वहाँ पे हम पिछले 5-10 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे टीचर्स। तो हमारी जो इन एग्रीगेट तकरीबन 7 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है, उसके खिलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिमांड की थी, हमने मेरे स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया था कि हमारी जो सैलरीज है वो रिलीज़ किया जाए इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन उन्होंने हमारे कोई भी वहाँ पे अटेंशन नहीं दिया। तो फिर इसलिए हम यहाँ पर हैं कि हमारी जो उसके बराकस उन्होंने हमें टर्मिनेट किया कि आप डिमांड क्यों कर रहे हो अपनी सैलरीज के ऊपर। तो टर्मिनेट किया गया और फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया, उनको धमकाया गया कि हम आपको स्कूल से निकालेंगे। और ये भी कहा गया ये यहाँ पे लोकल प्रॉपर्टी है हमारी, तो ये लोकल प्रॉपर्टी, ये जो दूर दराज के टीचर्स हैं इनको छोड़ो, ये हमारी लोकल प्रॉपर्टी है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हरासमेंट कर रहे हैं और हमें सैलरी नहीं दे रहे। इसके बरक्स सैलरी डिमांड जो हम करें, जेन्युइन डिमांड है, उसके बरक्स उन्होंने हमें बाई पोस्ट हमारे घर ये भेजा है टर्मिनेशन लेटर्स। तो सर जी, हमने वहाँ पे बात की थी, बार बार हमने प्रिंसिपल सर को वहाँ पे बताया था कि हमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है घर में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे तकरीबन सारे जो टीचर्स वो मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो इस वजह से फिर हमने बताया था उसको, बार बार बताया कि हमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ दूर करने के लिए थोड़ा सा कुछ हमें दे दो, जो 7 मंथ्स इन एग्रीगेट है, अगर 1-2 मंथ्स ही रिलीज़ करोगे फिलहाल तो हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बरस उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना, वो बार बार कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हम पता है हम उसी स्कूल में काम करते हैं, हम ही ने बच्चों को विंटर असाइनमेंट्स दिए, हम ही ने उनको जो ये कार्ड दिए हैं, जो मार्क्स कार्ड शीट्स है वो भी दिए है। तो हमने फी कार्ड्स पहले चेक किए हैं, जिसका 1 अक्टूबर-9 नवंबर तक क्लियर होता था उसी को हम देते थे। तो इसीलिए फिर हमने डिमांड की और वहाँ पर उन्होंने हमारा नहीं सुना, उसके लिए हम मजबूर हो गए। हमने सीओ ऑफिस पुलवामा भी कंप्लेंट की और उन्होंने भी उनको बुलाया, लेकिन वहां पे भी ये नहीं गए प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ। हम यही चाहते हैं हमारी जो पेंडिंग ड्यूज है वो हमें रिलीज़ किया जाए, और जिनको ये जो अगेंस्ट वायलेशन ऑफ सर्कुलर है, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑलरेडी अगस्त 2020 में निकाला है, उसके लिए ये इसके लिए खिलाफ ये वायलेशन है, उन्होंने टर्मिनेशन निकाले। तो उसने साफ उसमें लिखा है कि स्टाफ को आपको सैलरी भी देनी है ज्यूरिंग कोविड, और किसी को आप टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हो।